हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हो, मैं हूँ अभिषेक। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज है द्वितीया, पूजा शुरू हो चुका है, हम सबका पॉपुलर सबसे ज़्यादा फेमस पूजा दुर्गा पूजा। आज है 5 अक्टूबर 2024, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पूजा के टाइम बहुत ही बढ़िया लगता है। दोस्तों आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म हसीना मान जाएगी के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में एक अननोन फैक्ट भी शेयर करूंगा, मतलब गोविंदा ने इस फिल्म के लिए किस फिल्म को छोड़ दिया, कौन से सुपरहिट फिल्म को गोविंदा ने छोड़ दिया था, वो भी मैं बताऊंगा आखिर में। सो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों हसीना मान जाएगी आज से ठीक 25 साल पहले, मतलब 1999 25 जून को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे गोविंदा, संजय दत्त, करिश्मा कपूर, पूजा बत्रा, परेश रावल, कादिर खान, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, अरुणा ईरानी और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। हसीना मान जाएगी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था स्मिता ठाकरे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन, म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। सो फ्रेंड्स, फिल्म का बजट था 9 करोड़ और फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 86 लाख और पहले वीक में इस फिल्म का कलेक्शन था 4.75 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 15.02 करोड़। बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुआ था। स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ, एक बहुत ही बढ़िया पैसा वसूल कॉमेडी मूवी है, एंटरटेनमेंट भरपूर है इस फिल्म में और जब भी मैं देखता हूँ मुझे बहुत बढ़िया लगता है और ये फिल्म डेफिनेटली हंसाने में कामयाब होता है। मतलब गोविंदा ने क्या काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम गोविंदा ने किया है इस फिल्म में। आप लोग डेफिनेटली हंसने में मजबूर हो जाओगे उनका एक्सप्रेशन देख के। संजय दत्त ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। दो लीडिंग लेडीज़, मतलब करिश्मा कपूर और पूजा बत्रा, अपने रोल को पूरा जस्टिस करती है। परेश रावल, कादिर खान, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, कॉमेडी के चार किंग, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जितने भी सह कलाकार थे सभी का काम अच्छा है इस फिल्म में, गाने अच्छे हैं इस फिल्म में, सब कुछ मिला के एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग कॉमेडी मूवी है। अगर आप लोग एक कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली इस मूवी को मिस मत करना, ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगा, डेफिनेटली एंटरटेनमेंट भरपूर है इस फिल्म में। फिल्म से जो वो अननोन फैक्ट, तो गोविंदा ने इस फिल्म के लिए एक पॉपुलर फिल्म छोड़ दिया था, मतलब उनका जो एक टैग था उस टाइम पे 90s में नंबर 1 फिल्मों का, और एक नंबर 1 फिल्म उन्होंने छोड़ दिया था। दोस्तों उस फिल्म का नाम था बीबी नंबर 1, मतलब हसीना मान जाएगी के लिए बीबी नंबर 1 को छोड़ दिया था। हालांकि उस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और उस फिल्म में सलमान खान ने लीड रोल प्ले किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों, टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे कूल मैन।